कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, हम आपके है कौन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हूं अपने नए एपिसोड के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में, अभी जो मैंने गाना स्टार्ट किया था, कौन कौन है जो सपनों में आया, आप मेरे लगते कौन है, हम आपके हैं कौन। तो इस कौन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कौन कौन है जो मेरी वीडियो देखता है, कौन कौन है जो मेरी वीडियो पसंद करता है, वो कौन है। हाँ बता मुझे कौन है, कौन है वहां। वो हॉरर मूवीज देखते ना, खुलता है दरवाजा अचानक से, फिर कौन है वहां, फिल्मों में कौन है वहां, वो कौन था जिसने तुम्हें मारा, वो कौन है जिसने तुम्हें पुकारा। ओके, आज कौन की बात करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब हम कौन का जिक्र करते हैं तो हम हु का फिक्र करते हैं। हु के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में, हु के बारे में, यानी आज हमारा क्वेश्चन वर्ड है हु। आज हु के बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन वर्ड है हु, और हु का मतलब कौन। कौन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कौन को हम जैसे ही और शी, यानी हम सिंगुलर की जगह हमने यूज किया, यूज किए थे हमने सिंगुलर डूअर। सिमिलरली अब हम एक बात सीखेंगे इसमें कि जैसे जब हमें पता होता है कि भाई सुनील एक्शन कर रहा है, ओके, हमें पता है सुनील एक्शन कर रहा है, तो हम सुनील की जगह ही बोल दें, या हम सुनील की जगह लड़की का नाम लेते हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, शी बोल देंगे। ये ही और शी हम इस्तेमाल करते हैं तब जब हमें पता हो कि कौन एक्शन कर रहा है। वह हम जब लगाते हैं, जब अगले का भी नाम पता हो, जैसे मैं बोलूं कि वह जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें पता है कि कौन जा रहा है, हमें नाम पता है उस व्यक्ति का, ओके। लेकिन जब हम कौन का जिक्र करते हैं तो हमें नहीं पता कि वो कौन है, और हम उसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्शन कौन कर रहा है, या किसने किया है, या कौन करेगा। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिएगा, मैंने यहाँ पर वही डेली लाइफ से फॉर्मूले लिख रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं ही एक्शंस, ही एक्शंस, तो मैं ये जब कहूंगा जब मुझे उसका नाम पता है या मैं उसके बारे में जानता हूं। अगर मुझे उसका पता ही नहीं है और मुझे उसके बारे में जानना है, आपको किसी की पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है आपको किसी को, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। जब आपको किसी की पहचान करनी हो कि कौन एक्शन कर रहा है, ओके, सो तब हम यूज करते हैं हु। तो हु एक्शंस, कौन एक्शन करता है। अभी मैंने आप ऊपर गौर करेंगे फॉर्मूले में क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, और यहां से मैंने डूअर गायब कर रखा है, मैंने यहां से डूअर को रिमूव कर दिया है। जब तक ये बोर्ड पे लिखी हुई चीजें मैं आपको ना समझा दूं, तब तक डूअर रिमूव रहेगा। और फिर हु के साथ डूअर कब आएगा, हु के साथ डूअर कब आएगा, उसके बाद इसके बाद हम उसका जिक्र करेंगे, ओके। तो अभी क्वेश्चन वर्ड हु है, और टाइम वर्ड ये जो हमने लगा रखे सबके साथ, ये टाइम वर्ड है हमारे इनोवेबल, और एक्शंस, ओके। सो सबसे पहले कौन एक्शन करता है, कौन एक्शन करता है, आपको कौन पढ़ाता है, हु टीचिज यू, आपको कौन पढ़ाता है, हु। आपकी हेल्प कौन करता है, हु हेल्प्स यू, आपकी हेल्प कौन करता है, हु हेल्प्स यू, ओके। पौधों को पानी कौन देता है, हु वॉटर्स द प्लांट, हु वॉटर्स द प्लांट, हु वॉटर्स द प्लांट, आपके साथ कौन लड़ता है, हु फाइट्स विद यू, हु फाइट्स विद यू, आपके साथ कौन लड़ता है, हु फाइट्स विद यू, आपके साथ स्कूल कौन जाता है, हु गोस टू स्कूल विद यू, हु
goes to school with you. Okay, next यहाँ पर हम जिक्र करेंगे past life के बारे में. Who action plus second form? किसने action किया था? किसने action किया था? Okay, कौन आया था? कौन आया था? तुम्हें किसने बताया? तुम्हें किसने बताया? Who told you? Who told you? तुम्हें किसने मारा? Who beat you? Okay? तुमसे किसने पूछा? Who asked you? Who asked you? उसे किसने बताया? Who told him? Who told him? तुम्हें किसने पढ़ाया? Who taught you? Who taught you? Similarly, next, who will action? कौन action करेगा? कौन एक्शन करेगा? जैसे कई बार टीचर्स क्लास में सवाल पूछता है. ओके, तो सबसे पहले कौन जाएगा या कौन बताएगा? ओके, कौन एक्शन करेगा? कौन बताएगा? मार्केट कौन जाएगा? Who will go to market? Who will go to market? मार्केट कौन जाएगा? आज कौन आएगा? पूछते ना, अरे वाह, बड़ी तैयारी चल रही है यार, बड़ी तैयारी हो रही है, आज कौन आएगा? Who will come today? Who will come today? अच्छा जी, आपको कौन पढ़ाएगा? Who will teach you? कौन तेरी मदद करेगा? Who will help you? Who will help you? तो कौन एक्शन करेगा? Who will action? Okay, कौन एक्शन कर रहा है? तुम्हें कौन सपोर्ट कर रहा है? Who is supporting you? Who is supporting you? कौन चिल्ला रहा है? Who is crying? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? हाँ जी, who is knocking at the door? बोलते ना, चाय कौन बनाएगा? Who will prepare tea? चाय कौन बना रहा है? Who is preparing tea? Who is preparing tea? Got it? Next. Sorry, पहले इसका example नहीं लिया मैंने. दरवाजा कौन खटखटा रहा? Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? कौन लड़ रहा है? Who is fighting? Who is fighting? Newspaper कौन पढ़ रहा है? Who is reading the newspaper? TV कौन देख रहा है? Who is watching TV? Got it? Who has action plus third form? किसने action किया है या किसने action किया हुआ है? ताजमहल किसने देखा हुआ है? मैं आपसे पूछता हूँ, ताजमहल किसने देखा है? Who has seen the Taj? Who has seen the Taj? Okay, ये bag यहाँ पे किसने रखा है? Who has put the bag there? Who has put the bag there? ये कुर्सी किसने तोड़ी है? Who has broken this chair? कौन आया है? Who has come? कौन है वहाँ? Sorry, कौन गया है? Who has gone? Who has gone? TV किसने ऑन किया है? Who has turned on the TV? Okay, so next one, who was action? कौन action कर रहा था? रात को हुडी कौन कर रहा था? यानी जो सो किलकी मारते ना, जो हम किलकारियां मारते हैं उसको बोलते हैं. Who is hooding at the night? Who is hooding at the night? या फिर हम बोल सकते हैं, कौन चिल्ला रहा था रात को? रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा था? कौन आ रहा था? कौन जा रहा था? कौन चाय बना रहा था? कौन लड़ रहा था? Who was fighting? कौन लड़ रहा था? Who was fighting? Who was fighting? कौन लड़ रहा था? कौन जा रहा था? Who was going? आपको कौन पढ़ा रहा था? Who was teaching you? तुमसे बातें कौन कर रहा था? Who was talking to you? Who was talking to you? Next, who can action?
कौन जा सकता है, कौन आ सकता है, कौन एक्शन कर सकता है, मेरे साथ कौन लड़ सकता है, मेरे साथ कौन लड़ सकता है, उसको कौन हरा सकता है, who? Who can defeat him or beat him? Who can defeat him? Who can defeat him? ये कौन उठा सकता है? Who can pick it? Who can? Yes. कौन मेरे साथ मुकाबला कर सकता है? Who can compete with me? Who can compete with me? Okay. Next, who could action? कौन action कर सकता था? कौन दौड़ सकता था? Who could run? Who could run? उसकी help कौन कर सकता था? Who could help him? Who could run? कौन दौड़ सकता था, कौन बंदा काम कर सकता था, वो कुड, ये सारी चीजें जो आपने की है, जहां पर आपने सिंगुलर का यूज किया था वहां पर आप हु का यूज करेंगे, और जहां पर सिंगुलर प्लुरल को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता वहां हम कर ही लेंगे। तो कौन का जब जिक्र करते हैं उसके बारे में, अब हम प्लुरल का जिक्र करते हैं कि हु को कैसे प्लुरल बनाते हैं। जैसे कि कौन कौन प्रैक्टिस करता है, मैं आपसे से पूछूं कौन कौन प्रैक्टिस करता है, तो उसको बोलेंगे हु ऑल एक्शन। ओके, हु ऑल एक्शन, हम ये ऑल लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं सब में से। अगर मैं बोलूं हु प्रैक्टिस, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैंने हु को एज ए प्लूरल यूज किया है कि कौन कौन प्रैक्टिस करता है, हु प्रैक्टिस। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑल, तो कौन कौन प्रैक्टिस करता है, हु All practice. Who all practice? Who all practice? कौन कौन जाएगा? Who all will go? Who all will go? कौन कौन मेरे साथ fight करेगा? Who all will fight with me? कौन कौन English बोलेगा? Who all will speak English? Okay, इसी तरीके से यहाँ पे who all went. Who all went? Who all went? कौन कौन गया था? Who all will go? कौन कौन जाएगा या कौन कौन आएगा? कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? कौन कौन इसमें पार्ट लेगा, हिस्सा लेगा? Who all will take part in this function? इस फंक्शन में कौन कौन हिस्सा लेगा? Who all will take part in this function? Who in this function? Who all will take part in this function? Who all are actioning? Who all are actioning? कौन कौन लड़ रहा है? कौन कौन जा रहा है? कौन कौन आ रहा है? ओके, कौन कौन खाना खा रहा है? कौन कौन खाना खा रहा है? कौन कौन इंग्लिश सीख रहे हैं? Who all are learning English? Who all are learning English? Next, who all have action plus third form? किस किस ने action कर लिया है? आपकी teacher आपसे class में पूछती है किस किस ने लिख लिया है? Raise your hand, किस किस ने लिख लिया है? होमवर्क किस किस ने कर लिया है? ओके, नोटबुक किस किस ने खरीद ली है? लाइक इस तरीके से हम हु ऑल हैव डन होमवर्क, हु ऑल हैव डन होमवर्क। ओके, सिमिलरली हु ऑल वर एक्शनिंग, कौन कौन एक्शन कर रहा था, कौन कौन खेल रहा था? Who all were playing cricket? कौन कौन खेल रहा था? Who all were playing cricket? Who all were playing cricket? हम यहाँ पे all का use कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बस हमें ये timer बता देगा कि हम हु को एज ए प्लूरल यूज कर रहे हैं। हु वर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, फिर भी अगर आप बोलना चाहते तो आप बोल लीजिए हु और वर प्लेइंग क्रिकेट, कौन कौन क्रिकेट खेल रहा था। ओके, नेक्स्ट है कौन कौन एक्शन कर सकता है, आप में से कौन कौन एक्शन कर सकता है, कौन कौन अंग्रेजी बोल सकता है? ओके, कौन कौन अंग्रेजी बोल सकता है? हु
all can, who all can speak English. Who all can speak English? कौन कौन प्रैक्टिस कर सकता है? Who all can practice? कौन कौन तेज दौड़ सकता है? Who all can run fast? Okay? So next, who all could action? कौन कौन action कर सकता था? Okay? कौन कौन आ सकता था? कौन कौन जा सकता था? कौन कौन मुझे हरा सकता था? कौन कौन उसकी हेल्प कर सकता था? कौन कौन प्रैक्टिस कर सकता था? कौन कौन बोल सकता था? वो सारी चीजें यहाँ पे आप बोल सकते हो. Who all could come in time? कौन कौन समय से आ सकता था? ओके, ऊपर वाले में पूछेंगे तो कौन कौन समय पे आ सकता है? Who all come on time? और समय से बोलेंगे तो who all can come in time? ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे अभी हमारे जो हम हु के रिप्लाई देते हैं, यानी कौन के बारे में. अब जब हम डूअर को इसमें जिक्र कर लेते हैं हमारे, जैसे मैं आपसे पूछूं आप किसके साथ, अभी तो मैंने कौन की बात की थी, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप किसके साथ एक्शन करेंगे या आप किसके साथ एक्शन करते हो, अब उसकी बात करेंगे तो चलेगा. अभी हम उसकी बात कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख लिए हैं और अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं डूअर. क्यों लिखा है मैंने, अब इसका जिक्र करेंगे. अब देखो, जब कौन एक्शन करता है वो तो हमें पता चल गया कि हु एक्शंस और हु इज एक्शनिंग और हु विल एक्शन. और आपके साथ कौन एक्शन करता है, एक मैं डायलॉग में, तो आपके साथ कौन बोलता है, हु स्पीक्स विद यू. आपके साथ प्रैक्टिस कौन करता है, हु प्रैक्टिसेस विद यू. आपके साथ कौन जाएगा, हु विल गो विद यू. लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं कि आप किसके साथ, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप किसके साथ जाते हैं. ओके, तो अब पहले सेंटेंस देखिए, आप किसके साथ अभ्यास करते हैं, आप किसके साथ अभ्यास करते हैं. अगर मैं ये बनाता हूं कि आपके साथ कौन करता है, तो कौन, तो हु एक्शंस हो गया, हु एक्शंस, कौन करता है. लेकिन इसमें तो मेरे बारे में पूछा ना, आप किसके साथ अभ्यास करते हैं. तो सबसे पहले अब देखिए, एक चीज और है मैं ये बताना चाहूंगा. स्पोकन के अंदर हम हुम अब चलन में नहीं है. हुम इज ऑब्सोलीट नाउ, ही इज आउट ऑफ ऑर्डर नाउ, आउट ऑफ डेट नाउ, यू कैन से दैट, ये पुराना हो चुका है. स्पोकन में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते. अब हम हुम, जब हम यहां पर हम डूअर है यानी करने वाले हम हैं, तो हम हु को हुम की सेंस में लेके चलेंगे. ठीक है, एक बार मैं हुम वाला भी बना करके दिखा देता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं. देखो, मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, क्या आप प्रैक्टिस करते हैं, डू यू प्रैक्टिस, डू यू प्रैक्टिस, गॉट इट. अब किसके साथ, किसके साथ, इसकी इंग्लिश, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है सारे, ये तो आगे आएंगे. विद हुम, विद हुम, विद हुम डू यू प्रैक्टिस, किसके साथ आप प्रैक्टिस करते हो. विद हुम डू यू प्रैक्टिस, विद हुम डू यू प्रैक्टिस. लेकिन हुम ऑब्सोलीट है, आप ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. इट्स नॉट, इट्स टोटली फेयर, इट्स टोटली करेक्ट माय डियर. ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ बिकॉज हु इज ऑब्सोलीट नाउ एंड वी ऑल यूज हु. ओके, सो विद हुम, आप विद को लास्ट में भी लगा सकते हैं. विद हुम, With who do you practice? Who do you practice with? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से. Who do you practice with? आप किसके साथ प्रैक्टिस करते हैं. ओके, और जो थोड़े से कमजोर बच्चे हैं इंग्लिश के अंदर, वो मुझे पता है वो बिल्कुल पसंद करेंगे विद हुम को, क्योंकि इसमें उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, वो डायरेक्ट इसका यूज कर रहे हैं. क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसका, इतना तो उन्हें पता है, ये डू यू प्रैक्टिस, क्या आप प्रैक्टिस करते हैं. अब किसके साथ हमें आगे लगाना है, आप किसके साथ अभ्यास करते हैं. विद हुम डू यू प्रैक्टिस, विद हुम डू यू प्रैक्टिस. ओके, सो नेक्स्ट, आपके साथ स्कूल कौन, अब किसकी बात है, कौन,
कौन जाता है, कौन जाता है। तो पहले ये सेंटेंस हमने बनाना है, हु गोज, हु गोज आपके साथ विद यू। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप फर्क देख सकते हैं, इसमें डूअर ये है और इसमें डूअर हु है, इसमें डूअर यू है, इसमें डूअर हु है। विद हुम डू यू प्रैक्टिस, आप किसके साथ प्रैक्टिस करते हैं। एंड सेकंड वन इज आपके साथ स्कूल कौन जाता है, तो कौन जाता है, हु गोस, मैंने ये नहीं लगाया सॉरी, हु गोस टू स्कूल विद यू, Who goes to school with you? आपके साथ स्कूल कौन जाता है? Who goes to school with you? आपके साथ कौन खेलता है? Who plays with you? अब मैं ये सवाल करूं कि आप किसके साथ खेलते हैं? तो with whom do you play? With whom do you play? आप किसके साथ जा रहे हैं? With whom are you going? आपके साथ कौन जा रहा है? Who is going with you? Okay? Next है आपकी मम्मी किसके साथ मंदिर जाती है, आपकी मम्मी किसके साथ मंदिर जाती है। तो ये क्या, आपकी मम्मी मंदिर जाती है, पहले आप इसको भूल जाइएगा, आप इसको भूल जाइएगा, एक बार किसके साथ को, ओके यहां से बनाएगा आपकी मम्मी मंदिर जाती है, ये सवाल है। तो सवाल का ये क्या हम आगे जाते हैं, क्या आपकी मम्मी मंदिर जाती है, तो उसका सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, डस Your mother go to temple? Does your mother go to temple? Okay, अब किसके साथ, क्या आपकी मम्मी मंदिर जाती है, जी जाती है, किसके साथ जाती है, तो with whom, with whom, okay, और आप ऐसे ही बोल सकते हैं Who does your mom go to temple with? Yes, with who does your mom go to temple? Got it? Next, Samir ne aakhri movie kiske saath dekhi thi? Kya Samir ne movie dekhi thi? Sorry. Kya Samir ne movie dekhi thi? Ak Samir ne movie dekhi thi, toh pehle ye banayenge did. Samir watch मूवी, डिड समीर वॉच मूवी, क्या समीर ने मूवी देखी थी, देखी थी किसके साथ देखी थी, तो वही चीज हम आगे लगा देंगे विद हु या विद हुम, विद हु डिड समीर वॉच लास्ट मूवी, इसमें लास्ट मूवी का जिक्र है, लास्ट मूवी, विद हु डिड समीर वॉच लास्ट मूवी, समीर ने आखिरी मूवी किसके साथ देखी थी, क्या समीर ने मूवी देखी थी, डिड समीर वॉच मूवी किसके साथ, विद हु या विद हुम यू कैन यूज, ओके। सो नेक्स्ट वन इज हियर, तुम्हें कल किसने बताया था, यहां भूल जाओ, कल किसने बताया था, किसने यानी कौन, आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपके, हु टोल्ड, किसको, आपको, हु टोल्ड यू, Who told you yesterday? Who told you yesterday? अब मेरे ख्याल से आपको who का और कि ये with whom, with who का और with whom का फर्क आपको पता चल गया होगा। Next, उसने पैसे किसको दिए थे? उसने पैसे किसको दिए थे? अब उसने पैसे दिए थे ना? तो सवाल बनेगा क्या उसने पैसे दिए थे? Did He give money? Did he give money? किसको यानी who? Who did you give money? तुमने पैसे किसको दिए थे? Who did you give money? Who did you give money? So my darling students, ये आज की हमारी जो क्लास थी, जो एपिसोड था who के बारे में, आज का हमारा क्वेश्चन वर्ड who था और कौन एक्शन करता है और आप किसके साथ एक्शन करते हैं, इसके बारे में हमने जिक्र किया है और ये आपके सामने स्क्रीन है, ये आप देख सकते हैं सारे के सारे जो हमने अभी किए हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेज है जो बाकी बच गए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और प्लीज आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो
तो किसी और को भी इसका फायदा होगा। और अगर आपने इसको लाइक किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और प्लीज आप लाइक करिए, आपका एक लाइक हमें हौसला देता है, हमें मोटिवेट करता है वो वीडियो बनाने के लिए। ओके, सो अभी तक का कोर्स एक सीरीज से दूसरी सीरीज जुड़ी हुई थी, एक सीरीज से दूसरी सीरीज जुड़ी हुई थी। अब जो आगे का जो कोर्स होने वाला है वो अब आप कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, वही वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको ये क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड और एक्शन डूर ये जानने के लिए आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप पहले व्यूअर थे इस वीडियो के तो प्लीज आप पहले वीडियो को देखें और उसके बाद अपने नोट्स बनाएं और फिर देखिएगा आपको कैसे इंग्लिश फटाफट आती है। तो आज हमने कौन के बारे में बात की है, हम आपके हैं कौन, मूवी देखे ना, हम आपके हैं कौन, हाँ जी कौन है हम आपके, ठीक है, उसके बारे में आज हमने बात की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वो कौन था जिसने हमें दिल में बसाया था, वो कौन था जिसने हमें दिल में बसाया था, और वो कौन है जिसने एक पल में भुला दिया, वो कौन था जिसने हमें दिल में बसाया था, वो कौन है जिसने हमें एक पल में भुला दिया, वो कभी हमारे चेहरे की रौनक हुआ करता था, वो कभी हमारे चेहरे की रौनक हुआ करता था, और वो कौन है जिसने हमें इस तरह रुला दिया, और वो कौन है जिसने हमें इस तरह रुला दिया। सो माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस, इफ यू लाइक एंड लव्ड इट प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, चाओ चाओ, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, देयर इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिस, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।